जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग बेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कंपनी के बारे में डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब इसमें तेजी आई थी, आपको पता है इन दिनों स्टॉक खूब अपर सर्किट में चल रहा है, इसमें खूब हरियाली देखने को मिल रही है, स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। तो कहीं कहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से फिर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, हो सकता है फिर नीचे आ जाए। जैसे पिछले बार तेजी के साथ गया और नीचे आ गया तो वहाँ पर फिर कुछ लोग फंस गए थे, तो वो गलती इस बार नहीं हो, इस बार आप नहीं फंसे और सावधानी के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर सके। और जो लोग लंबी अवधि का इस कंपनी में सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, यदि आप नया इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं या और ज़्यादा एवरेजिंग करना चाहते हैं तब भी वीडियो आपके लिए काम की होने वाली थी। शेयर प्राइस देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.41 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया, वो भी तकरीबन 5% की तेजी के साथ। अभी जो तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक को पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैंने बताया कि लगातार तेजी देखने को मिल रही, तो एक दिन की बात हो गई। वहीं पर पिछले एक सप्ताह देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 14% के आसपास चढ़ा है। 14% से ज़्यादा चढ़ने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने इस स्टॉक में यदि एक सप्ताह पहले भी इसमें कम से कम 10,000 रुपये भी लगा दिए होते तो एक सप्ताह में उनकी कमाई 10,000 पर 1,400 रुपये एक्स्ट्रा हो गई रहती। अभी एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 45% के आसपास चढ़ा है। देखिए पीनी स्टॉक जब चढ़ता है तो ऐसे ही रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ भागता है और जब गिरता है तो रॉकेट की रफ्तार से भी नीचे की तरफ गिरता भी है, लेकिन मज़ा तब आता है जब प्राइस ऊपर की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा है। देख रहे क्या शानदार ग्राफ बना है इस स्टॉक का। पिछले 6 मंथ में भी देखेंगे तो जो निगेटिविटी पहले देखने को मिल रही थी अब वो निगेटिविटी इसमें समाप्त हो गई। पिछले 6 मंथ में जो गिरावट आ रहा था गिरावट खत्म हो गया और अब स्टॉक देखेंगे तो लगातार आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। और जो इसमें गिरावट आ रहा था उसको देखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर ये प्राइस निकल गया है। पिछले 6 महीने में देख लेंगे तकरीबन 34% के आसपास से स्टॉक चढ़ गया है, यानी कि व्यक्ति ने 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें किया होगा 6 महीने पहले तो अभी कितने बन गए होंगे, 1,34,000 रुपये के आसपास तकरीबन बन गए होंगे सिर्फ पिछले 6 महीनों में। तो ये होती है पेनी स्टॉक की पावर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये है बेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी। ये बेक्सिया लाइफ केयर एक छोटी सी कंपनी है, हम सबको पता है। देखिए छोटी कंपनियों में लंबी अवधि जैसे कोई बात नहीं होती, जिससे आप बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वैसा इसमें कुछ बात नहीं होता। इसमें बस आपको देखना होता है टाइमिंग, टाइमिंग यदि सही है और चार्ट पर अच्छा पैटर्न बन रहा है तो आप उसमें पैसा लगा दीजिए और आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो इस कंपनी का भी जो मतलब काम धाम है और जो फंडामेंटल है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि और इसमें कितना तेजी देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि इस रेंज बाउंड से बाहर निकलने के बाद स्टॉक का प्राइस यहाँ तक लगातार जनवरी 2023 तक नीचे है। जनवरी 2023 देखिए पहले स्टॉक ज़्यादा देखेंगे तो जनवरी फरवरी अप्रैल यही सब मंथ होता है जिसमें स्टॉक में तेजी आती है। तो यहाँ से जनवरी 2023 के बाद इसमें तेजी आया और इस जब तेजी आ रहा था तभी मैंने वीडियो बनाया था और यहाँ पर बताया था कि यह जो एरिया है 2 रुपये और फिर 3 रुपये के आसपास का एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस बनाया है इसने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया था उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, फिर जो लोग फंस गए वो फिर झेलते झेलते यहाँ से फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक इनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी फिर से एक बार प्राइस देखेंगे तो यहाँ से इसने अच्छा खासा ये जो इसके लिए आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और फिर इसी अपने सपोर्ट लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ उठा और फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँचने जा रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि ये दोबारा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया, यहां पर आप आधा स्टॉक बेच के प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो क्या हो सकता है कि यहीं से फिर से रिवर्सल आ सकता है तो फिर आप मुसीबत में फंस सकते हैं यदि यहां पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो अभी आपके लिए एकदम जरूरी है कि यहां पर आप अपना आधा क्वांटिटी सेल करके प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है वहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। लंबी अवधि के लिए क्या है कि बेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड जो कंपनी है आपको पता है कि पहले लिमिट इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था और केमिकल तथा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कंपनी ट्रेडिंग के काम करती है। तो काम कुछ खास नहीं है लेकिन फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत मतलब ओके कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। फंडामेंटल देखेंगे तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की कंपनी है। शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से अधिक है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है देखिए माइनस में नहीं है, यही बढ़िया है। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी कम है, मतलब इसको थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तकरीबन 10% के आसपास होता तो बढ़िया रहता। तो मैं ये कहूंगा कि जहां जहां आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है और प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। लंबी अवधि जैसे 10 साल 20 साल के सोच के इस स्टॉक नहीं चलना है, रिस्की स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक्स, उसमें समय समय पर बस आप प्रॉफिट बुक करने पर ध्यान दीजिए। तो एबेक्सिया लाइफ केयर से संबंधित कुछ खास अपडेट है नहीं, बस यही आपको बताना था कि शेयर प्राइस में कब गिरावट आ सकता है जो अभी कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें, उसके पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।